चार बार तो देख चुके हैं मधुमती, अब पांचवी बार देख रही है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मधुमती। एक सेकंड दीदी, इधर को टाइटैनिक की कैसेट, मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया, चलो देखते हैं। मुझे डिस्टर्ब मत करो, बस और दो बार देख लेने दो मधुमती, फिर तुम देख लेना। दीदी प्लीज। ओफो, बीच में मत बोला कर, नहीं तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। तुम कौन हो? कौन हो तुम? जी मेरा नाम आनंद है। इस कैसेट का कुछ करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये कैसेट किसी कुएं में फेंक दो। खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ी तो मैं यहीं से नीचे कूद पड़ूंगी। एक निर्दोष की हत्या करके तुम कभी भी चैन से नहीं रह सकोगे। नहीं, नहीं प्रताप नारायण, मधुमती कूद ना, मत, मैं आ रही हूँ। मधुमती प्लीज। अभी यहाँ चुप करके खड़ा रहो गधेड़ा लबाते। ऑर्डर मैंने स्क्रिप्ट दिल्ली ऑफिस में चलता। हेलो रूसी केमिकल्स? जी रूसी तो नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं। हाँ मुझे नहीं मालूम वो कब आएंगे। आप ऐसा कीजिए, आप उनके घर फोन करके उनकी बीवी से पूछ लीजिए। आप उनकी बीवी बोल रही हैं? कौन सी वाली, पहली या आठवीं? जी मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। मरवा दिया ना, अब आने दे बॉस को, इतने जूते पड़ेंगे ना कि उसके टाल पर बाल वापस आ जाएंगे। मेरा जीना आराम हो गया बॉस। हाँ? अरे मेरा लाइफ स्पॉइल हो गया। और हुआ क्या? अरे मेरा वाइफ ने मेरा हालत गरम कर दिया। इतनी जल्दी? अभी अभी तो मैंने उससे बात की थी। तुम किसका बात करता है? हमारा तो आठ बीवी है। पहली वाली। अरे उसको मारो गोली ने। गोली तो सर आज वो आपको मारने वाली। अरे मारने दो, वैसा ही मैं मरना चाहता हूँ। मेरा आठवां बीवी ने हमको डोकर दिया। पर हुआ क्या? बात यह है कि हम दिल्ली था, दिल्ली से बम्बई आने वाला था। हमने उसको टेलीग्राम भेजा कि मैं सैटरडे को आ रहा हूँ। मैं सैटरडे को बम्बई आया तो मैंने क्या देखा? मुझे क्या मालूम? अरे मेरा खुद का बीवी, मेरा खुद का घर में उसका बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा है। लेकिन इसमें उसकी क्या गलती सर? बेचारी को टेलीग्राम वक्त पे नहीं मिला होगा ना? शर्म नहीं आता है? मजाक मत करो, तुम्हारा भाई दो दो बीवी है, अंडरस्टैंड? हाँ उसने धोखा दिया तो? मेरी बीवी ऐसा कभी नहीं कर सकती बॉस, क्योंकि जब भी मैं टूर के लिए बंबई से बाहर जाता हूँ ना, तो मैं उन्हें अपने आप में उलझा के जाता हूँ, सारा बंदोबस्त करके जाता हूँ। वो कैसे? मसलन प्रिया है ना, मैंने उसे हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का शौक लगा दिया है। जैसे पति परमेश्वर, मेरा पति सिर्फ मेरा है, पति हो तो ऐसा, करवा चौथ, मैं तुलसी तेरे आंगन की, वगैरह वगैरह। और मधु? मधु को मैंने मधुमती फिल्म देखने का शौक लगा दिया है। वो क्यों? क्योंकि मैं उससे हमेशा कहता हूँ कि फिल्म मधुमती की जो मधुमती है यानी वैजंती माला बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है, और चूंकि फिल्म मधुमती में दिलीप कुमार का नाम आनंद है, इसलिए वो उस आनंद को अपना आनंद मानकर सारा वक्त वही फिल्म देखती रहती है। अरे अंडूस, पर तुम्हारा खोपड़ा छोड़ा जी की दिलीप कुमार जी सा है? ये तो आप समझते है ना सर, वो तो आप समझते है, लेकिन मधु तो हमेशा मुझे दिलीप कुमार ही मानती है, सर से पांव तक दिलीप कुमार है। इसलिए तो मैं जब भी टूर से वापस आता हूँ वो मेरे गले लग जाती है, हमेशा ये कहते हुए बाबू बाबू मेरे शहरी बाबू। अच्छा तो मेरा आठवां बीवी भी सब वीडियो फिल्म देखता है, फिर भी हमको धोखा दिया उसने? क्योंकि सर वो जरूर आमिर खान की फिल्में देखती होगी, इसलिए जवान जवान लड़कों के साथ इश्क करती है। अगर आपने उसे डेविड या अमरीश पुरी या एके हंगल की फिल्में दिखाई होती ना, तो वो ऐसा हरगिज नहीं करती। क्यों? क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा जत्था आपकी तरह टकलू है। शर्म नहीं आता है? वन मिनट, अभी रियलाइज किया, मेरा कुर्सी है, उठो उठो, अट्ठागरी उठो, बाहर से खेलो, मेरा फोन है। हेलो, हाँ तुम्हारा फोन है, ले आओ। हेलो, हाँ आनंद बोल रहा हूँ। क्या मधु बेहोश हो गई है? मैं अभी आता हूँ। मधु बेहोश हो गई है सर। मिस्टर आनंद? हाँ मैं हूँ। देखिए मैंने इन्हें दवा दे दी है। अच्छा। ये दो मिनट में होश में आ जाएगी। अच्छा अच्छा, तब तक मैं जरा अपना इलाज करवा के आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे पागल डॉक्टर, मेरे पैर पे चल के चला जाता है। मधु 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 स्वीटहार्ट, तुम्हें क्या हो गया है? अरे मेरी मधु की हालत किसने की? बापू ने इनके सर पे कैसे दे मारी। क्यों बे हाथी के पिछवाड़े, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं जीजू, ये तो बेचारा मधुमती फिल्म देख देख के बोर हो गया था। पता है जीजू, जब से आप टूर पे गए हो ना, तब से दीदी दिन रात बस मधुमती फिल्म ही देखती रहती थी। ये इरिटेट हो गया और उसने कैसेट दे मारी। ए झूठी, एक मिनट। जीजू मैंने तो कैसेट फेंकी थी, लेकिन दीदी बीच में आ गई और कैसेट उनके सर पे लग गई। झूठा। आनंद बाबू, आप
आप अपने मधु से मिलने इस पार कब आओगे? अरे आंखें तो ठीक से खोलो मेरी जान, देखो मैं कब से उस पार से इस पार तुम्हारे पास आके बैठा हूँ। आप आ गए बाबूजी, अब तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें तो कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा मेरी जान, ना मुन्नी ना। आपको पता है बाबूजी, आपके जाने के बाद उस जालिम प्रताप नारायण ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। कमबख्त बदबख्त प्रताप नारायण, कहीं बोनी तो है नहीं आता? नहीं। तो फिर ये प्रताप नारायण कौन है? बाबूजी, आप प्रताप नारायण को नहीं जानते हैं? ना, मैं तो सिर्फ विलय पाले के जगत नारायण को जानता हूँ। वही तो मुझे ले गया था पहाड़ी पर। कौन, जगत नारायण? नहीं, प्रताप नारायण। कहीं ये फिल्म मधुमति के उस विलेनस कैरेक्टर प्राण साहब के बात पर नहीं कर रही है? प्रताप नारायण मुझे पहाड़ी पर बनी हवेली पर ले गया, और जब उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की तो मैं हवेली के छत से नीचे खाई में जा गिरी और मर गई। तुम मरी नहीं हो मेरी जान, तुम तो जिंदा हो। हाथ तो गर्म है डॉक्टर, हाथ तो गर्म है। ए भाई, ये नहीं, ये मेरी रूह है जो तुमसे बात कर रही है। मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए रूह बन कर आई हूँ। साथ ले जाने के लिए रूह बन के आई हूँ? मर गए बेटा आनंद। नहीं, मरोगे तो तुम रात को हवेली पर, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी छत पर, छत पे गिराने के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दिन निकल आया ना, आ जा रे। अरे अरे, चप्पल तो पहनती जाओ मेरी जान। मुझे लगता है दीदी पागल हो गई आज। हाँ, तो फिर तुम दोनों जल्दी से जाके उसे कंपनी दो, शील फील एट होम। अरे इधर आओ मेरे व्हाइट क्रॉस सोसाइटी, और ये बताओ कि मेरे मधु को हुआ क्या है? उन्हें वीडियो हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया है। वीडियो हिस्टीरिया? ये क्या कोई नई बीमारी है? बहुत खतरनाक बीमारी है ये। इसमें पेशेंट को हिस्टीरिया जैसे खतरनाक झटके पड़ते हैं, और पेशेंट के हेड में जिस फिल्म का भी कैसेट लग जाए, पेशेंट उसी फिल्म के मेन कैरेक्टर में घुस के वैसी हरकतें करने लगता है। आपकी मधु के हेड में फिल्म मधुमती का कैसेट लगा है, इसलिए वो मधु से मधुमती बन गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, हेड पर कैसेट लगने से ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, मत भूलिए कि कैसेट का कनेक्शन सिर्फ हेड से होता है, फिर वो हेड वीसीआर का हो या किसी इंसान का, कनेक्ट होते ही चलने तो लगेगा ही। सही कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है? मसलन हेड क्लीनर से या स्प्रे मार के या रूई में? अगर इलाज होता तो मैं अपने बेटे सुनील को ठीक नहीं कर देता। क्या? आपके बेटे को भी वीडियो इसलिए? जी हाँ, उसके हेड में बलवान फिल्म की सुनील शेट्टी की कैसेट लगी है, तब से वो दिन रात सबको पीटते ही रहता है। अरे साई बोनी, तू इतनी एड़ो नहीं सूरत बना के सड़क के कोनी में बड़ा पाव क्यों खड़ा है? ये सब तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। जब से तुमने प्रिया भाभी को किताबें पढ़ने का शौक लगा दिया, तब से प्रिया भाभी किताबें ही पढ़ती रहती है, ना खाना बनाती है ना नाश्ता। इसलिए पड़ा है तुम्हारा बड़ा पाव से वास्ता? लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा पाव सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। अरे क्या खाक अच्छा होता है? इसे खा खा कर तो मेरा पेट मुसीबत में पड़ गया। आनंद, मुझे लूज मोशन हो रहे हैं। तुम्हारे जैसे लूज कैरेक्टर वाले लोगों के साथ ये लूज मोशन वाली प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। क्या कहा? ज्यादा जोर मत लगा, नहीं तो एक बार फिर जाना पड़ेगा। सच कहते, लगता है फिर से जाना पड़ेगा। आनंद, मैं तो तंग आ चुका इस मुसीबत से। अरे रे रे, लड़की के पीछे चक्कर लगाने की इस कच्ची और कमसिन उम्र में देखना, तुझे टॉयलेट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। काश मैं तेरी मदद कर सकता, लेकिन क्या करूं यार, मैं खुद एक बड़ी गहरी मुसीबत में फंसा हूं। लेकर आया? अरे मधु है ना, वो मधु से मधुमती बन गई है। अरे तो क्या हुआ, सिर्फ नाम ही बदल डाला ना? अरे नहीं, कमबख्त मारी पूरी के पूरी करेक्टर में घुस गई है, उसे वीडियो हिस्टीरिया हो गया है। वीडियो हिस्टीरिया? हाँ। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक बीमारी है? जिस घर में भी वीसीआर होता है, एलडी होता है, सीडी होता है, वीडियो होता है, वीडियो डिस्क, अक्सर उस घर में इसके कीटाणु पाए जाते हैं। बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो क्या इसमें पेशेंट मर भी जाता है? नहीं, पेशेंट तो नहीं मरता, लेकिन पेशेंट के घर वालों के मरने के चांसेस बड़े ब्राइट होते हैं। वो कैसे? जैसे मधुमती बनकर मुझे मारने की कोशिश में है। क्या बोल रहे हैं आनंद, मधु भाभी तुम्हें कैसे मार सकती है? हवेली से धक्का देके? कैसे? रोज मुझे छत पर गाते हुए ले जाती है। आ जा रे, मैं तो चल कूद जा, एकदम पागल हो गई है। तू इतना रिलीफ कैसे हो गया? कहीं तेरा प्रॉब्लम तो नहीं कूद गया? चक्कर ले, तब तो बड़ा पागल है। और मैं? हाँ दीदी, तुम सचमुच पागल हो गई थी। हटो भी, मजाक कर रहे हो तुम। मजाक नहीं दीदी, चीजू भी कह रहे थे कि आपके सिर पे मधुमती फिल्म की कसरत लगने से आप मधु से मधुमती बन गई हैं। ऐसा कभी हो सकता है? वैसे मुझे मधुमती फिल्म है बहुत पसंद। चलो फिर से देखते है। हाय मधु भाभी। बोले तुम? हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत
क्या हुआ है मुझे? अच्छी भली चंगी तो मुझे तो तुम ही बीमार लग रहे हो। हाँ मैं तो बीमार हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम दूसरा है। क्या हुआ बोनी? बहुत सीरियस बीमारी है? नहीं नहीं, मेरी बीमारी सीरियस नहीं, डिसेंट है। एंट्री एग्जिट बार बार होती रहती है। खैर मेरी छोड़ो, भाभी जी आपका दिमाग कैसा है? मेरा दिमाग? आनंद कह रहा था कि मेरा दिमाग खराब हुआ है, मैं पागल हुई हूँ, यही ना? बिल्कुल सही। पता नहीं आनंद मेरे पागल होने की झूठी खबर क्यों फैला रहा है। दीदी ये खबर झूठी नहीं है। भोपू अब अगर ये बात तूने फिर से कही ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मारो, लेकिन मैं वही कहूंगा जो सच है। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानने वाला? मुझे तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है बोनी? सर में? नहीं नहीं पेट में, लगता है जाना पड़ेगा। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? क्यों, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ? नहीं नहीं, अगर डॉक्टर के पास जाते जाते तुम्हारी तकलीफ बढ़ गई तो? अरे मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो फिर कहाँ जाना है बोनी? अरे समझती क्यों नहीं? क्या हुआ? मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। जोकर पूरे के पूरे जोकर अंदर गली बंद करो। ये क्या लगा है? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने जो हमारा आठवां बीवी का भाना नहीं फोड़ डालता तो हमारा एक नंबर का बीवी हमारा सर नहीं फोड़ डालता। लेकिन सर इस उम्र में भी आप आठ आठ बीवों का लफड़ा करते क्यों है? तुम्हारा बात करें, तुम लफड़ा नहीं करता है। सर मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, इसलिए तो अब तक मैंने तीसरी शादी नहीं की। भले तीसरा शादी नहीं किया लेकिन 300 लफड़ा किया, उसका बात करो ना। सर लफड़ा तो टेम्परेरी होता है, इस तरह से सर थोड़ी फूटता है। तुम्हारा भी फूटेगा, एक ना एक दिन तुम्हारा भी इंफार्क्ट फूटेगा। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। खैर आप सुधर जाइए, नहीं तो देख लीजिएगा किसी दिन आपकी कोई बीवी आपकी टांग तोड़ देगी और आपको तैमूर लंग बना देगी, फिर आप ऐसे गाते जाएंगे मोटे प्राण की तरह कसमे वादे। अच्छा अच्छा बस बस, तुम बहुत इंसल्ट करता है, सब कुछ देख रहा है ऊपर वाला, वो साक्षी है। हम तुमको श्राप देता है, श्राप मारता है तुमको, एक न एक दिन तुम्हारा दो में से एक वाइफ तुमको भी मार मार कर तैमूर लंग बना देगी। अरे नहीं बॉस, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि अब तो मधु भी ठीक है। हाँ अब तो मैं सिर्फ मजे ही मजे करूंगा और दोनों बीवियों के आगोश में सोऊंगा, कभी इधर तो कभी उधर। सर अपने की पट्टी निकल गई है, लगा दूं? मधुमती कहीं तुम पकड़ा तो नहीं गई हो? ये बीच रात में मेरे रूम में लालटेन लेके आ गई हो? कहीं तुम्हें फिर से वीडियो हिस्टीरिया का दौरा तो नहीं पड़ा है? मैं आपको लेने आई हूँ बाबूजी। लेने आई हूँ? आप चल रहे हो ना मेरे साथ? चल रहे हो कहाँ? ऊपर। ऊपर हवेली की छत। छत छत पे? नहीं नहीं स्वीटहार्ट, यहाँ कोई हवेली वेली नहीं है, यहाँ हमारे सोसाइटी की 26 माले की बिल्डिंग है जिसकी टेरेस बहुत ऊंची है, कसम से उस पे टेरेस खाओ, अगर हम दोनों वहां से कूद गए ना तुई तो सच्ची मुची मर जाएंगे। मरना तो अब आपको है बाबूजी, मधुमती तो कब की मारी जा चुकी है। मधुमती नहीं मारी गई है, इस मधु की मती मारी गई है, कमबख्त मारी। जल्दी चलिए बाबू छत पर। अरे क्या छत पर, छत पर छत पर लगा रखा, नहीं जाना मुझे छत पर, छत पर जाने की उम्र गई। आप मर नहीं गए तो हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी बाबू। हाँ तो रह जाने दो, हमारी प्रेम कहानी गई खड्डे में। आप मेरे साथ नहीं चल रहे हैं शहरी बाबू? नहीं चल रहा हूँ बबनी। मेरे आनंद बाबू तो ऐसे ना थे, इसका मतलब तुम मेरे आनंद बाबू नहीं हो। नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। देखो मधुरानी अभी बहुत हो गया बकवास, चुपचाप मेरे साथ सो जाओ, चलो सो जाओ। तुम्हारे साथ? क्यों? उसने भी ऐसे ही कहा था, मतलब तुम आनंद बाबू नहीं,
प्रताप नारायण, देखो स्वीट हार्ट, ये बीच रात में मेरा कैरेक्टर बदल के कम से कम मुझे दिलीप कुमार से प्राण तो मत दो ना। प्राण? प्राण तो अब मैं तुम्हारे लूंगी प्रताप नारायण। बताओ तुमने मेरे आनंद बाबू को कहाँ छुपा के रखा है? कसमे वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या। आनंद, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? अरे मधु ने यार, उसने मेरे टांग पे इतनी जोर की स्टैचू मारी कि मैं तैमूर लंगड्डम ही बन गया होगा। अरे लेकिन तुम तो बोल रहे थे मधु भाभी ठीक हो गई। अरे क्या खाक ठीक हो गई, वो सिर्फ दिन में ठीक रहती है लेकिन रात में जब उसमें दौरे पड़ते हैं ना तो किसी को ठीक नहीं रहने देती। यार कुछ कर इससे पहले कि वो अपने भोपू को टेरेस से नीचे फेंक दे। अरे फेंक देना तो भोपू को, भोपू को क्या होने वाला, सड़क पे एक बड़ा सा गड्ढा जरूर होगा। मुझे तो नताशा की फिक्र लगी है, उसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या हुआ भोपू? जीजू दीदी ने, क्या हुआ दीदी ने, कहीं तुझे टेरेस से नीचे तो नहीं फेंक दिया? अरे अगर इसे फेंका होता तो ये नहीं सड़क रोती हुई आती है। क्या हुआ बता तो। जीजू दीदी ने मुझे झाड़ू मार के घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि तू मेरा भाई नहीं है, वो प्रताप नारायण है ना, उसका चमचा है। प्रताप नारायण का चमचा? बोनी दिस इज टू मच, मच टू मच, कुछ कर यार। आनंद मुझे लगता है मधु भाभी को वीडियो स्टेरिया नहीं, किसी चुड़ैल ने धर दबोचा है। क्या चुड़ैल? मतलब भूत? भूत, हमें भूत उतारने वाले बाबा को बुलाना होगा। तो मेहरबान कदरदान लाल की जान, सदा बनी रहे आप किसान, किसी भूत या चुड़ैल से होकर आप परेशान। तो मिलिए काली पहाड़ी वाले भूत तारू बाबा की जेलों से और मुक्ति पाइए भूतों की खतरनाक चालों से। बाबा कौन कौन सा भूत उतारते हो? हमारे यहाँ सब प्रकार के भूत उतारे और रिपेयर किए जाते हैं। अगर तुम्हारे बेटे के सर पे हीरो बनने का भूत सवार है या बेटी के सर पर हीरोइन बनने का भूत हावी है तो हमारे हाथ में उसकी चाबी है। बोल तुझे किस भूत की हावी है? बाबा मेरे पीछे एक काले कौवे का भूत लगा हुआ है जो हमेशा मेरे कपड़े और चेहरा गंदा करता है, क्या उस काले कौवे का भूत उतार सकते हो? जरूर उतार सकते हैं लेकिन उसके लिए तुझे चश्मा और कपड़े उतारने पड़ेंगे। वो क्यों बाबा? उतारने पड़ेंगे क्योंकि कौवों के भूत नंगे आदमी से डरते हैं। लेकिन बाबा मैं सबके सामने कपड़े कैसे उतारूं? तो ठीक है, तो चश्मा और जेब में जितने सारे पैसे हैं वो निकाल कर रख। जो आ गया बाबा, जल्दी जल्दी पैसे निकाल, अब घर जा और कपड़े उतार कर हमारा इंतजार कर। एक मिनट ओम अब ऊपर देख और बोल काली पहाड़ी वाले बाबा की जय। काली पहाड़ी वाले बाबा की जय। ये क्या बाबा, उस काले कौवे का भूत अभी तक नहीं उतरा। लगता है जरूर तू कुछ उतारना भूल गया है। आ इधर आ, वो देख गले में सोने की चेन, पहले वो उतार बाद में भूत उतरेगा। जल्दी उतार, अब घर जाओ और हमारा इंतजार कर। एक मिनट। घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के। दीदी दिल तो भोपू का धड़कता है तुम्हें देखकर। क्यों, मैंने क्या किया उसे? क्या किया? कल रात को तुमने उसको नींद में से जगाकर झाड़ू से मारा। लो भोपू क्या कोई कॉकरोच है जो मैं सिर्फ झाड़ू से मारूं? हाँ एक्चुअली इतना मोटा कॉकरोच तो मैंने भी कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। लेकिन तुमने उसे मारा क्यों दीदी? अरे वो झूठ बोल रहा है। दीदी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुमने मुझे रात में प्रताप नारायण का चमचा कह के बहुत मारा। प्रताप नारायण का चमचा? हाँ दीदी, मैंने तुम्हें इतना समझाया कि मैं प्रताप नारायण का चमचा नहीं हूँ, मैं जीजू का चमचा हूँ, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। तुमने कहा निकल जाए यहाँ से वरना मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। कौन है ये प्रताप नारायण? मधुमती फिल्म का विलन प्राण। अरे हाँ हाँ हाँ, लेकिन उस प्राण के लिए मैं इस प्यारे से भाई के प्राण क्यों ले लूं? तूने कोई सपना देखा होगा। अच्छा चलो दीदी, मान लिया कि भोपू ने कोई सपना देखा, लेकिन जीजू उनका क्या? क्यों, क्या किया मैंने आनंद को? दीदी तुमने जीजू के पैर पर स्टैचू मारकर उनकी टांग तोड़ दी। मैंने आनंद की टांग तोड़ी? बाबा की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। बोल बच्चा तुझे क्या परेशानी है, तूने किसका भूत उतारने की ठानी है? वो तेरा नाना है या नानी है? नानी, हमें मालूम है तेरा नाम बोली है। अरे आप लोग तो मेरा नाम भी जानते हैं। बाबा आप लोग सचमुच चमत्कारी हैं। हम चमत्कारी ही नहीं बल्कि प्रलयकारी भी हैं। बाबा मेरे भाभी के सर पे किसी चुड़ैल का साया है। बोल कितना माल लाया है? यानी भूतों को भी पैसे की जरूरत पड़ती है? पड़ती है, भूत भी बियर के साथ तंदूरी चिकन खाते हैं तभी तो वो अपना शिकार छोड़कर जाते हैं। समझ गया बोनी? हाँ हाँ महाराज समझ गया। चल करवा दे बोनी। अरे बोनी तो तड़का है। हाँ लेकिन आनंद तो अमीर का लड़का है। बोल कहाँ
चलना है? पैंड्रा, पैंड्रा, तो फिर ये सैंड्रा का भूत लगता है, तो बोलो भूत उतारू बाबा की जय। क्या होगा अब हमारे 12 बजेंगे। बोली ये चुड़ैल मारती तो नहीं है ना? अरे मुझे क्या मालूम। बाबूजी आप कहाँ हैं? बाबूजी देखो आ रही है, देखो आ रही है। वो कौन? अपनी मौत और कौन? आ जा रे परदेसी। तुम यहाँ छुपे हो प्रताप नारायण के चमचो? अरे कुछ करो, कुछ करो। क्या करे गुरु? और क्या भागने की तैयारी करे शुरू? अरे तुम्हारा भूत उतारने वाला मंत्र शुरू करो। मंत्र जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन जय खाली, कोई आला हो या आली, तूने सबकी मुसीबत टाली। अरे कुछ असर नहीं हो रहा है, भाग भाग कुछ भाग। कहो चमचो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी। तूने भी तो साथ दिया था प्रताप नारायण का मुनीम जी। मुनीम जी? अरे मैं तो बोनीम जी, मेरा मतलब है बोनी बोनी, आपका प्यारा प्यारा देवर। तूने ही तो चुराए थे मेरे जेवर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बाबूजी। अरे मेरी मधु को क्या हुआ? मेरी मधु को क्या हुआ? अनंत मधु भाभी को फिर से दौड़ा पड़ा, वो मेरी जान लेना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए फ्रेम उनके सर पे मार दिया। फ्रेम मार दिया? बेवकूफ, यू नो यू कैन बी फ्रेम फॉर मर्डर। मधु मधु मधु। आनंद, अरे ये क्या, मेरे बदन पे ये कपड़े, ये सब कैसे हुआ? अरे इसका मतलब मेरी मधु ठीक हो गई। देखा इस फ्रेम का कमाल, इस फ्रेम को मधु भाभी के सर पे मारते ही मधु भाभी की वीडियो स्टेरिया की बीमारी ठीक हो गई। वीडियो स्टेरिया की बीमारी? वो क्या होती है? एक मिनट बता दो। ये देखो शोले फिल्म की कैसेट, ये कैसेट आनंद के सर पे मारते ही आनंद गब्बर सिंह के डायलॉग बोलना शुरू कर देगा। ये क्या क्या बोली? आनंद बोलो, गब्बर सिंह बोलो, बोलो गब्बर सिंह बोलो। भाग धन्नो।